महेश्वर तहसील के ग्राम भोदरी के किसान कैलाश पाटीदार का जैविक प्राकृतिक कीट नियंत्रण एडवांस जीवमृत एवं कछुआ खाद वर्गीवास का प्लांट जिसमें रखी दवाई खाद का पूरा भंडारण नाले के पानी में बह गया, जिससे किसान का अनुमानित राशि 10 लाख से ज्यादा का सामान बह गया है। तालाब में मछली पालन करने वाले ठेकेदार के द्वारा ओवर स्टोर की जगह लगी जाली की वजह से यह घटना घटी है। किसान का कहना है कि प्लांट के साथ मेरी 10 बीघे में लगी पपीता और कपास की फसल भी नष्ट हो गई है। किसान का कहना है कि यह सब कुछ मैंने कर्ज लेकर कार्य किया था। महेश्वर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। कैलाश पाटीदार, ग्राम भोदरी, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन। यह आपका जो नुकसान हुआ, ये किस वजह से हुआ और कैसे हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है? ये नुकसान तालाब का वेस्टियर का पानी जो आया है उस वजह से हुआ है। तालाब में मालूम पड़ा है कि बहुत ज़्यादा पानी आने से तालाब की जो मछली पकड़ने की जाली थी वो समय पर साफ नहीं कर पाए और अचानक वो जाली टूटी तो सैलाब की तरह पानी बह के आया। और कंडीशन ये बनी कि मेरा यहाँ प्लांट करीबन उसमें जिसमें दवाइयाँ इकट्ठी हो रही थी प्राकृतिक जैविक खेती की एनारोबिक बैग वगैरह वो सब यहाँ रखे हुए थे, 2 ड्रम रखे हुए थे, उसमें दवाइयाँ बन रही थी, वो बैक्टीरिया सब तैयार थे जो किसानों को मैं दे रहा था। करीबन मैंने 7,000 लीटर किसानों को दे चुका हूँ और 17,000 लीटर का मेरे पास स्टॉक था। ये लगभग आपने जो खाद स्टॉक करा था इसका अनुमानित राशि कितनी होगी? उसकी अनुमानित 17,000 लीटर की करीबन 30 के हिसाब से दे रहा था तो 5,10,000 रुपये के करीब उसकी राशि बनती है। और हमको यहाँ देखने में आ रहा है आपका जो प्लांट बना हुआ था उसके आसपास क्या क्या सिक्योरिटी थी और वो किस प्रकार की नुकसान हुआ है उनका? इसके आसपास तार फेंसिंग की जाली लगी हुई थी, आसपास चारों तरफ से वॉल बाउंड्री की हुई थी अच्छी तरीके से। उसके बाद में जब पानी आया तो हम तो घर पे थे, हमको मालूम ही नहीं किस टाइम पे पानी छोड़ा गया, कैसे हुआ, अचानक ये पानी आने से सारा मेरा प्लांट बह गया। ये जो पानी छोड़ा इसके संबंध में आपको किसी ने अभी तक अलर्ट किया था या नहीं किया था? किसी ने नहीं अलर्ट किया था, जो अभी सामान्य पानी बह के जा रहा है। इस स्थिति में पानी आता है नाले में, बाकी इससे ज़्यादा पानी नहीं आता, बाकी ये तो अचानक जाली टूटने से पानी आया। ये जो नुकसान हुआ है इसके संबंध में आपने किसी अमला अधिकारी या प्रशासनिक या राजस्व अधिकारी को किसी को सूचना दी है? मैंने तहसीलदार साहब को भी फ़ोन पे सूचना दी, उन्होंने कहा कि आप वहाँ के फ़ोटो वीडियो बना लो। और पटवारी जी को भी सूचना दी, उन्होंने भी यही कहा कि आप भटोरे साहब ने कि आप फ़ोटो वीडियो बना लो और मेरे को सेंड कर दो। मतलब अभी तक यहाँ पर कोई भी शासन प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, अभी तक आए नहीं आपको देखने? कोई नहीं आया। मेरा करीबन 8 से 9 से 10 लाख के करीबन यहाँ मेरा नुकसान हो चुका है, जो बाहर से मैं प्लांट लाया था एनारोबिक बैग वगैरह। और केचुआ था मेरा, 1.5 क्विंटल केचुआ रखा हुआ था यहाँ, जो मैं इसमें डाल रहा था हेचरी के लिए तैयार था, तो एक बैग पूरा केचुआ का बह गया, उसमें केचुए थे। अब आप शासन प्रशासन से क्या मांग रखते हैं? यही कि जो मेरा नुकसान हुआ उसकी कुछ न कुछ क्षतिपूर्ति हो जाए तो मैं आगे और प्राकृतिक खेती जो कर रहा हूँ और दूसरे किसान मेरे यहाँ से प्रेरित हो रहे हैं उनको और मैं दे सकूँ। और सुनने में आया है कि हम देख सकते हैं आपके ये प्लांट के साथ साथ आपकी फसलों का भी कुछ नुकसान हो, उसमें फसल क्या क्या? में पपीता इधर पूरी नष्ट हो चुकी है, एक कोना पूरा साइड से, करीबन 800-1,000 पौधे। और आगे कपास भी हुआ नुकसान, नीचे भी इधर किसानों का बहुत सारा कपास भी नुकसान हुआ है। तो आप कपास और पपीता की जो फसल है इसका कितना अनुमानित अब समझ सकते हो नुकसान हुआ है? कपास का तो ये समझो कि 50% नुकसान हो चुका है। कितने बीघे में आपकी कपास की फसल थी? मेरी कपास की फसल 10 बीघा में थी, जिसमें ड्रिप भी मेरी 10 बीघे में 8 बीघे में लगी हुई थी, वो ड्रिप भी यहाँ बह गई, पूरी कुएं की साइड से रखी हुई थी। तो क्या नाम लिखते हो आप? कैलाश पाटीदार, भोदरी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।